दोस्तों, और आज का वीडियो है क्लीन अप का। और मैं अपने फेस पर क्लीन अप करने जा रही हूँ। अपने घर में ही मैं क्लीन अप करती हूँ, और क्लीन अप से आपके चेहरे के रिंकल्स, दाग धब्बे दूर होते हैं, और आप आसानी से किस तरह से घर पर क्लीन अप कर सकते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आगे वीडियो में आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से घर पर आसानी से क्लीन अप किया जा सकता है। यहाँ पर मैं बैठी हूँ क्लीन अप का सामान लेकर के, और यह है गुलाब जल, डाबर का गुलाब जल, और यह है स्क्रब, एवर यूथ का स्क्रब है, इससे स्क्रबिंग करूँगी, और यह है केसर चंदन का फेस पैक जोए का, और यह है मिल्क क्लींजर, और यह है राइजर क्रीम और टोनर्स। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने इयररिंग्स निकाल रही हूँ और अपने हेयर को अच्छी तरह से ऊपर में बांध ली हूँ एक कपड़े की हेल्प से, और अपने चेहरे को साफ करके उसके बाद यहाँ पर डीप क्लींजिंग करना है मिल्क क्लींजर से। और यहाँ पर मेरे पीछे बाबू का शरारत स्टार्ट है, और ये शाम को खेल करके चला आया है और परेशान कर रहा है यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर गुलाब जल लगा ले रही हूँ अपने फेस पर, और इसे भी एक कॉटन की सहायता से साफ कर लूँगी। और उसके बाद मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ, यह है एवर यूथ का स्क्रब, और इसी से मैं स्क्रबिंग करूँगी। और स्क्रब जो है 3 से 4 मिनट करना है, और इसे ऊपर की तरफ से इस तरह से मसाज करते हुए करना है, और राउंड सर्कुलर मोशन में इसे करना है। और ये देखिए इस तरह से। और क्या है कि मैं क्लीन अप का वीडियो शूट करने के लिए बैठी कि मैं पूरा क्लीन अप का वीडियो शूट करूंगी, और आज का वीडियो क्लीन अप का रहेगा, लेकिन मेरा बाबू जो है परेशान कर रहा है और मुझे यहाँ पर वीडियो शूट करने नहीं दे रहा है, और बोल रहा है मम्मी यहाँ से हटो, मुझे बैठ करके टीवी देखना है। तो इसीलिए मैं आगे का क्लिप नहीं शूट कर पाई, और मुझे यहाँ से हटने के बाद मॉइस्चराइजर क्रीम से अपने फेस का मसाज की और फेस पैक लगा करके फेस धो ली। यहाँ सिंघाड़ा और लहसुनिया का शाम का पार्टी चल रहा है, और बच्चे लोग यहाँ पर खड़े हैं अपना अपना लेने के लिए, तो वही यहाँ पर वो लोग निकाल रही है। और यहाँ मैं रात का डिनर की तैयारी कर ली हूँ, सब्जी कट करके रखी हूँ, और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो हंस रही है। और ये देखिए गैस पर 2 कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है नेनुआ की सब्जी और आलू के पराठे, तो इसलिए मैं एक तरफ नेनुआ की सब्जी को छौंक लगा दी हूँ और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई हूँ आलू भुज लेने के लिए, आलू के पराठे की स्टफिंग तैयार करूँगी। और यहाँ नेनुआ की सब्जी में नमक और हल्दी थोड़ा सा डाल करके और इसे ढक करके रख दूँगी। और नेनुआ की सब्जी बनाना आसान होता है, बस छौंक लगा देती हूँ जीरा और लहसुन प्याज से और हल्दी नमक डाल करके इसे ढक देती हूँ और इसे पकने देती हूँ। और एक तरफ ये चढ़ा हुआ है, और दूसरी कढ़ाई में मैं यहाँ डाल ले रही हूँ जीरा और प्याज, ये सब डाल करके भूज लूँगी। और ये मसाले तैयार हो रहे हैं आलू पराठे के। और जब भी मुझे हड़बड़ाहट रहता है तो मैं गैस पर 2 कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, और इंडक्शन पर भी मेरा कुकर चढ़ा हुआ है, और यहाँ आलू उबल चुका है, और आलू को मैं छील करके मैश करके और इसमें डाल ले रही हूँ, और ये नमक और हल्दी डाल करके यहाँ प्याज भूज करके रख ली हूँ, और उसमें आलू डाल करके आलू के पराठे के जो स्टफिंग होंगे उसे तैयार कर ले रही हूँ। और देखिए यहाँ आलू के पराठे का स्टफिंग तैयार हो चुका है। और इस तरह से जल्दी से झटपट से जब भी बनाना होता है तो मैं तीनों चूल्हा जो है उसे मैं यूज कर लेती हूँ और जल्दी से बन जाता है। इंडक्शन पर मैं सब्जी चढ़ाई हूँ और एक तरफ आलू भूज रही हूँ, और यहाँ आटा लगा करके रख दी हूँ, और यहाँ पहले रोटियाँ बना ले रही हूँ, क्योंकि किन्हीं को खाना है नेनुआ की सब्जी, रोटी, दूध और सलाद, और बच्चे लोग को खाना है आलू के पराठे, तो सभी का अलग अलग बन रहा है। तो जल्दी से मैं झटपट से बना रही हूँ, और जब भी मुझे हड़बड़ाहट होता है तो मैं अपने तीनों चूल्हे को तैयार कर देती हूँ, मतलब तीनों को
चालू कर करके मैं उसी पर बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए खाना निकल चुका है, ये मेरी सासू माँ का और देवर जी का खाना निकला है और दूध अभी गर्म होके दूध भी इसमें जाएगा। और यहाँ पर बच्चे लोग का पराठा बन रहा है और इनका फिर निकाल करके अपने पापा को भी वो खाना दे दी है और वो सभी लोग अभी खाना खा रहे हैं और मैं लगी हूँ किचन में और दोनों मेरी बच्चियाँ जो हैं वो खाना निकाल करके सभी को दे रही है और खिला रही है और मैं यहाँ पराठे सेक रही हूँ और पराठे सिक जाएंगे तो बच्चे लोग भी खा लेंगे। अब आबू शाम को समोसा वगैरह खाया था तो वो सो गया है और अभी वो जगह नहीं है और दोनों मेरी बच्ची है वो खाएगी और मैं खाऊंगी, अभी 3 गो हम लोग बाकी हैं। तो इसी तरह रात का डिनर झटपट से बना लेती हूँ, जब भी मुझे जल्दी रहता है और कुछ ज़्यादा बनाना रहता है तो इसी तरह से मैं करती हूँ। और इधर मैं लगी हूँ तो दोनों मेरी बेटी लोग है वो लोग सभी को खाना वगैरह दे रही है। तो चलिए आज हेल्प हो रहा है मेरा, तो कभी 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 क्या खाना वगैरह वो लोग निकाल करके दे देती है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। और देखिए यहाँ मैं हंस रही हूँ, लोग भी कुछ कुछ बोल रही है आके पीछे से और यहीं पर मैं वीडियो का एडिट कर रही हूँ। और 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का भी मूड नहीं कर रहा था और जब किसी चीज़ से मन हट जाता है तो करने का मन नहीं करता है, आलस हो जाता है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अरे मैंने क्या कर